आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। ये बमनियों बस स्टैंड में संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विशाल आदिवासी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एपीआई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़े। ओबीसी की जनगणना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पार्टी विगत वर्षों से काम कर रही है। मोदी सरकार में जीडीपी लॉस हुआ है एवं ऐसे और भी इश्यूज हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर पा रही। वही मध्य प्रदेश में हम 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे, बीजेपी की सरकार न बने एवं कांग्रेस भी न जीते, यही हमारा एजेंडा है। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पूरे संभाग एवं दूर दराज से आए हुए संगठन के लोग मौजूद रहे। पेश सुमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आदिवासियों के संदर्भ में जो राइट्स है उसका जो उल्लंघन हुआ उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा एजेंडा 9 अगस्त 2022 को मैंने ऑलरेडी राष्ट्रपति मैडम को इसका 17 पॉइंट्स का एजेंडा दिया है, जिसमें बहुत मेजर मेजर पॉइंट्स है, उसको एक साथ कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ लोकल संदर्भ में जैसे मैं कहूँ कि यहाँ जो डैम से उसका मुआवजा नहीं मिला है, उसके बाद में ज़मीनों पर आदिवासियों के पुराने नाम है, बाद में कुछ दूसरे लोगों ने आकर जो है अपने नाम उस पर कर लिए हैं, वो उसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। जो मिनरल राइट्स है सबसे महत्वपूर्ण है कि जो खनिज संपदा में 10-15% उनको मिनरल राइट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिले हुए हैं। आदिवासी राज्यों की अगर मांग है, जैसे अभी त्रिपुरा का चुनाव हुआ तो त्रिपुरा में भी आदिवासियों के अलग राज्य की मांग थी, इसलिए बीजेपी वो सीटें हारी है त्रिपुरा में। वैसे भील प्रदेश की जो है वो मांग है, ग्रेटर झारखंड की जो है मांग है, ग्रेटर बस्तर की जो है वो मांग है, ये तमाम चीजों के ऊपर में भी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जनसभा जो है बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ पर जो है शहडोल और सीधी लोकसभा जबलपुर, साथ में थोड़ा जबलपुर की भी लोकसभा को मिला के बड़ा प्रोग्राम हुआ है। प्रेस के अंदर में भी मैंने जो नीति है उसके विषय में विशेष बातें बताई है। एक तो इंडिया को 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2045-47 तक बनाएंगे, 7 करोड़ या 7 करोड़ जैसे गरीब जो परिवार है उनको जो है मध्यम अमीर 10 साल में बनाएंगे। आदिवासियों के लिए स्पेशली जो है 10-15% का शेयर होल्डिंग राइट उनको मिलाएंगे। आदिवासियों के राज्य जो है अलग बनाए जाएंगे, जैसे भील प्रदेश है, ग्रेटर झारखंड प्रदेश है, ग्रेटर बस्तर है, या त्रिपुरा में भी जो अभी चुनाव हुआ उसमें भी आदिवासियों के अलग राज्य की मांग है। ओबीसी की जनगणना जो है वो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसके ऊपर पार्टी ऑलरेडी 2019 से काम कर रही है, और इसके साथ में रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़े किसानों की, इसके ऊपर पार्टी का विशेष एजेंडा है। और बीजेपी केवल स्लोगन लगाती है लेकिन एक्चुअल डेटा बेस अगर देखा जाए तो कोई भी रियल काम जो है वो देश में पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। उसके पहले 10 साल अगर देखें तो हम 7% से बढ़ रहे थे, अभी केवल 5.5% से बढ़ रहे हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा आगे नहीं जा रही है। अगर हम 7% से बढ़ते तो अभी हम 5वें स्थान पर नहीं 4थे स्थान पर होते। तो जीडीपी लॉस हुआ है इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट के अंदर में। ऐसे बहुत सारे विशेष इश्यूज हैं जिस पर मोदी गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, ये तमाम चीजों को हम करेक्ट करेंगे। और मध्य प्रदेश का चुनाव 150 से ज्यादा सीटों पर हम लड़ाएंगे लिमिटेड अलायंस करकर, बीजेपी की गवर्नमेंट ना बने और कांग्रेस भी ना जीते, ये हमारा मेजर एजेंडा रहेगा और हमारी सीट जीते ज्यादा से ज्यादा, इस पर हमारा फोकस है।